और साथ ही साथ आतंकवादी अफजल गुरु बाकी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं है। तो सामान्य कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज रेज किया, दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर हमला क्यों? अध्यक्ष जी ने खुद दिल्ली सरकार के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार का आरोप किया, इसलिए उनको सबक सिखाना चाहते थे। मगर हम शीला जी को बताना चाहते हैं, चिदम्बरम जी को बताना चाहते हैं, ऐसी लाठीचार्ज से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये आंदोलन जारी रहेगा आगे भी। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ऐसी घटना इमरजेंसी के पहले हुआ। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार में और नवनिर्माण समिति आंदोलन गुजरात में जो शुरुआत हुआ, ऐसे विषयों को लेकर शुरुआत हुआ और धीरे धीरे वो एक जन आंदोलन के रूप में देश भर में बड़ा आंदोलन हो गया। इमरजेंसी लगाया, फिर इमरजेंसी के खिलाफ भी देश भर में आंदोलन हुआ। अंत में कांग्रेस पार्टी को एकदम कांग्रेस पार्टी चुनाव में बुरी तरफ हार गए, इंदिरा गांधी हार गए, खुद इंदिरा गांधी जी हार गए उस समय। ऐसा स्थिति चाहते हैं क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा? ये क्या तमाशा चल रहा है? इतना भयंकर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी एक्शन रहते पुलिस के द्वारा। मैंने देखा है कुछ लोगों को जूते से मार रहे पुलिस, ऐसा कभी होता है क्या? और कुछ लोगों को ऐसा पीट रहे, एक व्यक्ति प्रदर्शनकारी वो नमस्कार कर रहे बचाओ ऐसा, पर उनको भी मार रहे, महिलाओं को मारा। ये स्थिति इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले दिनों में। इसके ऊपर पूरा व्यापक रूप में दिल्ली जनता को बताना पड़ेगा क्या हुआ, क्या किया इन्होंने। इसलिए इसके बारे में भी कार्यकर्ता जब नीचे स्तर पर सभाएं होंगे उसमें इसके बारे में प्रचार करना चाहिए। मित्रों, लोकायुक्त ने रिपोर्ट दिया राष्ट्रपति को, मंत्री को, राजकुमार चौहान को हटाने के लिए। अभी तक लोकायुक्त रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं और केंद्र है कांग्रेस नेतृत्व, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मौन बैठे, खुद कांग्रेस अध्यक्ष मौन बैठे। लोकायुक्त ने सिफारिश किया एक्शन लेने के लिए, लिखित पूर्वक रिपोर्ट भेजा, कोई एक्शन नहीं। और हमारा ऊपर आरोप करते आप लोगों ने, उनके ऊपर एक्शन नहीं दिया। हमारा मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप ऐसा, लोकायुक्त रहे तो कोई जेटी कोई इंक्वायरी कमीशन ने कुछ कहा नहीं, फिर भी करते वहां इस्तीफा दे रहा हूं। अरे यहां लोकायुक्त ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया है, फिर भी वो मंत्री को आप लोग कंटिन्यू कर रहे, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स है? इसके बारे में भी कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहिए, दिल्ली में सब इलाके में इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। लास्ट में एक विषय बताना चाहता हूं मैं आप सबको जानकारी के लिए। इस बीच में मंडल अध्यक्षों का बैठक हुआ, जिला अध्यक्षों का बैठक हुआ, पदाधिकारियों का स्टेट के साथ, उसके साथ कारपोरेटर्स और स्टेट टीम बैठे थे हम लोग। उसके बाद मैंने मेयर को, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को और 11 जोनल चेयरमैन हैं उन सबको बिठाया, हमने रिव्यू किया, जो जो पॉइंट्स रेज किया कार्यकर्ताओं ने, नेता लोगों ने, कॉरपोरेशन में आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कॉरपोरेशन का चुनावी प्रणालिका में हमने क्या वादा किया, उसमें कितना अभी तक अमल कर पाया, पॉइंट वाइज हमने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मेयर, डिप्यूटी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस कॉरपोरेशन में सुभाष आर्या जी, सब हम सब लोग बैठे थे, अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, 3 घंटे 4 घंटे ऐसा 3 बैठकें हुआ, आगे भी होने वाले। हर एक पॉइंट में हम लोग क्या क्या करना चाहिए, इसमें क्या कठिनाई है, ये कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा इन डेप्थ डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीरीज में आने वाले दिनों में जिला अध्यक्ष के साथ जिला अध्यक्ष और महामंत्री और मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों का बैठक होगा, हर एक जिले में अलग अलग बैठक होंगे, उसमें भी इन डिटेल संगठन में तालमेल, संगठन और यहाँ शासकीय पक्ष में कॉरपोरेशन में जो लोग है उनके बीच में आपस में सामंजस्य वातावरण और संगठन को और मजबूत कराने के लिए क्या करना चाहिए, समन्वय कैसा लाना चाहिए, इन विषयों के बारे में भी चर्चा होगा। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, हर एक के पास कुछ न कुछ दायित्व तो है, इसलिए मेरा प्रार्थना इतना ही है, कोई भी समस्या हो कितना भी गंभीर हो आपस में चर्चा करिए, पॉजिटिव बोलना शुरू करिए और समन्वय का काम देखने का व्यवस्था भी हो जाएगा,
और आने वाले दिनों में 14 डिस्ट्रिक्ट का ऐसा इन डिटेल मीटिंग होगा। इस मीटिंग के बाद हर एक जिले में हर एक मंडल में मंडल स्तर तक कोई ना कोई नेता केंद्र से और प्रदेश से आएगा, मंडल मीटिंग रहेगा। इसका व्यवस्था भी हो रहा है। मैं चाहता हूं अंत में हर एक बूथ तक, कारण क्या है, दिल्ली केंद्र में है, एडवांटेज भी है, कभी कभी ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अरे इतना नीचे तक नेता आ रहे, मैं खुद आने के लिए कोशिश करूंगा मैक्सिमम इलाके में। और मैंने अध्यक्ष को कहा मुझे एक दो साथियों को दे, शाहनवाज हुसैन दिल्ली में हमारे एमपी कोई नहीं है, इसलिए एमपी के रूप में दिल्ली का जिम्मा इनको दिया है, यहाँ का जो लोगों का समस्या है उसके बारे में सदन में उठाने के लिए। साथ ही साथ मेरे साथ और दो लोग लगेंगे, आपस में चर्चा हो रहे, वो दो और मैं, हम मिलकर नीचे तक आएंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। काफी सुधार हुआ है, आने वाले दिनों में और भी। अब सब लोग संघर्ष का मूड में है, मगर मैं चाहता हूं आपस में बात करते समय भी सब लोग पॉजिटिव बोलना चाहिए और सरकार का भ्रष्टाचार के बारे में गंभीरता से रहना चाहिए। सुरेश कलमाड़ी ने परसों एक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि इसमें केवल मैं ही दोषी है क्या, मैंने अकेला खाया क्या, बाकी लोग भी भागीदारी है इसमें, भागीदारी। तो इसलिए उन्होंने कहा सरकार का रोल के बारे में, क्रीड़ा मंत्रालय के रोल के बारे में और शहरी विकास मंत्रालय, जिन जिन्होंने पैसा खर्च किया 60,000 करोड़ रुपया, वो सब के ऊपर जांच होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हम इसी विषय को 10 महीने के पहले, कॉमनवेल्थ गेम्स पूरा होने के पहले ही हमने आवाज उठाया, शहरी विकास मंत्रालय, क्रीड़ा मंत्रालय, दिल्ली सरकार का रोल के बारे में भी जांच होना चाहिए और सुरेश कलमाड़ी उनका व्यवहार के बारे में भी जांच होना चाहिए। ये हमारा डिमांड जारी रहेगा आने वाले दिनों में। मैं अध्यक्ष को सलाह देना चाहता हूं ये तीनों मंत्रालय के बारे में भी और दिल्ली सरकार के बारे में भी जांच होना चाहिए, इसको भी एक विषय के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बिजली, सड़क, पानी, झुग्गी झोपड़ी, अनाथराइज कॉलोनी, ये सब कांग्रेस सरकार ने हाथ में लिया है, छीन लिया है कॉरपोरेशन नगर निगम से। ये काम नगर निगम का काम है, मगर जनता में एक भ्रम है, अरे पानी नहीं आ रहे कॉरपोरेटर क्या कर रहे, सड़क अच्छा नहीं है कॉरपोरेटर क्या कर रहे, बिजली नहीं आ रहे कॉरपोरेटर क्या कर रहे, अनाथराइज काल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सब काम दिल्ली सरकार के हाथ में है। आजकल इस विषय को जनता में जागरूक पैदा करने के लिए आने वाले दिनों में एक जन आंदोलन के रूप में हर एक डिवीजन में, हर एक मंडल में, हर एक जिले में प्रदर्शन होना चाहिए। इन विषयों को लेकर लोगों को बताना चाहिए, लोगों को मालूम नहीं है 73-74 संविधान का संशोधन जो किया उसमें क्लियरली लिखा है 29 सब्जेक्ट को कॉरपोरेशन को देना चाहिए। राजीव गांधी ने भी कहा, मगर जो राजीव गांधी के शिष्य जो लोग हैं वो लोग सब अधिकार अपने हाथ में छीन लिया दिल्ली कॉरपोरेशन से। इसलिए इस विषय को लेकर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। ये 4 सूचना मैं आप लोगों को देना चाहते थे, एक आजीवन सहयोगी विशेष सहाय निधि, दूसरा मंडल और जिला के बीच में समन्वय, सामंजस्य वातावरण और मिलकर काम करना, तीसरा ये यहाँ क्या है उसमें जो प्रदेश सरकार ने जो अधिकार छीन लिया उसके बारे में, चौथा ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में, बाकी डिपार्टमेंट के साथ दिल्ली सरकार के बारे में भी जांच होना चाहिए, इन सबको सजा मिलना चाहिए। ये 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इन सब विषयों को भी ध्यान में रखिए।